हे यू ऑल माय गॉर्जियस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप आप सब बहुत मजे से और एकदम सेफ होंगे। सो गाइस, आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पे आज होने वाला है दोबारा से एक ह्यूज अनबॉक्सिंग मीशो से, जिसमें मैंने काफ़ी सारे कुर्तीज, कुर्ता सेट्स और एथनिक ड्रेसेस जो है ऑर्डर करी हैं। सारी ही मैंने अपनी तरफ से इन बजट करी है, जो कि समवेयर अराउंड अंडर 500 के सारे ही कुर्ती कुर्ता सेट्स होने वाले हैं। बट फिंगर क्रॉस्ड हर बार की तरह कि हमको क्या रिसीव हुआ है, वन बाय वन सभी को अनबॉक्स करेंगे आपके सामने। और इसको रख देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है। सो गाइज, मैंने अपनी तरफ से एकदम लेटेस्ट और ट्रेंडिंग कलेक्शन वहाँ से जो है ऑर्डर किया था अंडर 500 का, जैसे कि मैंने बोला। तो आज हम देखेंगे कि हमको क्या रिसीव हुआ है, इनका फिट कैसा है, फैब्रिक कैसा है और हमको लेना चाहिए या नहीं। सारे ही प्रोडक्ट्स के जो डिटेल्स और यू नो लिंक्स और कोड्स हैं नीचे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर जेन्युइनली आपको देखना है ऑनेस्ट रिव्यू, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पसंद आती है, आपके लिए यूजफुल होती है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे इस छोटे से चैनल की ग्रोथ के लिए। और अगर इसी तरीके की आप फैशन हॉल वीडियोज़ देखना चाहते हो या फिर फैशन से अपडेटेड रहना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली को और भी बड़ा और स्ट्रांग बनाइएगा। अब चलिए जल्दी से चलते हैं और आज का प्यारा सा हॉल पिटारा चेक करते हैं। सो गाइस, वन बाय वन जो है हम इनको अनबॉक्स करेंगे और साथ साथ इनको वेयर करके भी देखते जाएंगे कि ये कैसे हैं, इनका फिट कैसा है। तो सबसे पहला जो पैकेट मेरे हाथ में आ गया है वो कुछ इस तरीके से है, तो चलिए इसको हम खोल के देखते हैं कि इसमें हमको क्या मिला है। सो गाइस, ये एक कुर्ता सेट है जो कि मैंने ऑर्डर किया था, और इसका जो कलर और पैटर्न है वो एज इट इज़ रिसीव हुआ है, जैसे कि हमने ऑर्डर किया था। और ये जो है अंडर 500 रुपीज़ का था, सो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। 100% कॉटन फैब्रिक इसका रिसीव हुआ है हमको, तो कुछ इस तरीके की इसमें हमें मिल जाती है पैंट और यह है कुर्ता। कुर्ता आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, कुछ ऐसा पैटर्न है और यह है इसकी पैंट। तो फैब्रिक तो गाइस इसका 100% कॉटन है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्टडी लग रहा है। इसका कुर्ता जो है गाइस वो स्ट्रेट फिट का है, आप देख सकते हो फ्रंट का लुक इसका कुछ ऐसे है एंड बैक साइड का लुक इसका कुछ इस तरीके से रहेगा। बाकी इसका बॉटम वेयर जो है हमको मिला हुआ है फुली इलास्टिकेटेड कुछ ऐसा, और ये वाला प्रिंट जो है इसके बॉटम वेयर पे रहने वाला है। फिट मुझे इसका रेगुलर लग रहा है, ये देखिए एकदम कंफर्ट फिट है। बाकी इसको पहनने के बाद पता लगेगा कि ये कैसा लग रहा है। तो चलिए आइए जल्दी से चेक करते हैं कि इसका फिट कैसे आया है और ये पहनने के बाद कैसी लग रही है। सो गाइस, ये वेयर करने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है, आप देख सकते हो इसमें कि हमको राउंड नेक दे रखा है, हल्की सी स्लिट है, और यहाँ पे इसके योग पार्ट पे हमको ये पैच वर्क दिया हुआ है, जिसमें कि ये गोल्डन कलर की लेस डिटेलिंग मिल जाएगी आपको, गोटा पट्टी, और यहाँ पे जो है थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रखी है बीच में। सो ओवरऑल इसका योग पार्ट कुछ ऐसा रहेगा। स्लीव्स की अगर हम बात करें तो 3-4 स्लीव्स हैं, एंड स्लीव्स में भी हमको ये गोटा पट्टी का वर्क और ये पैच मिल जाएगा। बाकी पूरा ये जो फ्लोरल प्रिंट आप देख रहे हो ये फैब्रिक प्रिंट है, सो ये आप घर पे आराम से हैंड वॉश कर सकते हो। फिट जो है गाइस इसकी बहुत अच्छी आई है, स्ट्रेट फिट का कुर्ता है, और आप देखोगे कि इसके साइड की स्लिट्स में ना हमको ये वाला थ्रेड वर्क दे रखा है, जिसमें कि ये डोरी और ये टैसल वर्क है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। सो ओवरऑल फिट जो है आप देख सकते हो कुछ यूं है, एंड लेंथ भी इसकी अच्छी खासी आई है। बाकी इसका बॉटम वेयर जो है वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ये देखिए पूरा का पूरा जो है एकदम अच्छी फिट है और कंफर्टेबल है, आप इसको आराम से वेयर कर सकते हो। सो फैब्रिक वाइज मुझे ये बहुत अच्छा लगा, एंड फिट इसकी बहुत अच्छी आई है। बैक साइड पर अगर आप देखोगे तो बैक साइड पर आपको ये पूरा ऐसे ही फ्लोरल प्रिंट में मिलने वाला है। सो ओवरऑल दिस इज़ 10/10 गाइज, फिट, फैब्रिक एंड लुक इसकी बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लग रही है। इसको आप एज अ डेली वेयर पहन सकते हो, ऑफिस में पहन सकते हो, या फिर यू नो आप कहीं आसपास आउटिंग वगैरह के लिए जा रहे हो तो उसके लिए भी परफेक्ट है। समरी शेड है, तो मेरी तरफ से डेफिनेटली ये रिकमेंडेड है, ज़रूर ट्राई करके देखिए। सो गाइज, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे हाथ में आया है वो कुछ इस तरीके से है, और इसको भी हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें हमको क्या मिला है। ओके, सो गाइस ये एक कुर्ता सेट है जो कि मैंने ऑर्डर किया था, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एक सेकंड, जिस तरीके का ये मुझे फ़ोटो में दिख रहा था एग्जैक्टली वही रिसीव हुआ है, और इसका फैब्रिक हम देख लेते हैं कि कैसा है। एक सेकंड, इसका जो फैब्रिक है गाइस वो एक काफ़ी अच्छा खासा जो खादी कॉटन होता है वो कुछ वैसा रिसीव हुआ है, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें ये जो सिल्वर लाइन्स हैं ये पूरा जो है जरी का थ्रेड जा रहा है, और फ्रंट में आप देख सकते हो कि ये पूरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क इसमें हो रखा है कुछ इस तरीके से। और ये जो कुर्ता सेट है ना, इसमें हमको कुर्ता मिलता है, पैंट मिलती है, और आई रिमेम्बर कि ये जो है समवेयर अराउंड 350 कुछ का है, सो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाता है कुर्ता। बैक साइड पर ये एकदम प्लेन है, इसमें भी आपको सिल्वर कलर की ये लाइन्स मिल जाएंगी। बाकी बॉटम वेयर भी इसका खादी कॉटन में ही है, पेस्टल पिंक कलर का कुछ ऐसे, एंड नीचे जो है इसमें बटन डिटेलिंग दे रखी है, ये देखिए बॉटम वेयर में कुछ इस तरीके से फिनिशिंग जो है बॉटम वेयर की, उसमें कहीं कहीं थ्रेड निकल रहे हैं, बट वो जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो कुछ ऐसे ना इसमें थ्रेड से निकल रहे हैं, बट इसको हम कट करके निकाल सकते हैं सीजर से। ओके, ये ऐसे ही निकल गए, ठीक है। सो इसका जो है मुझे फिट रेगुलर वाला ही लग रहा है, बाकी इसको वेयर करके देखते हैं कि ये पहनने के बाद कैसा लगता है।
सो गाइज यू कैन सी कि ये वेयर करने के बाद बहुत ही ज़्यादा डिसेंट एंड ग्रेसफुल लग रहा है। इसमें हमको राउंड नेक मिलेगा और कुछ इस तरीके से ना पूरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क इसमें हमको दे रखा है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी हो रखी है पूरी इसमें। साथ में हमको ये गोटा पट्टी का वर्क और ये जो है बटन डिटेलिंग इसमें दिखने को मिल जाएगी। सो इसका लुक जो है ओवरऑल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। योग पार्ट का मल्टी कलर का एम्ब्रॉयडरी हो रखा है और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। स्लीव्स की अगर हम बात करें तो स्लीव्स इसमें हमको मिलेंगी 3/4। आप देख सकते हैं पूरी सिल्वर लाइंस का जो जरी वर्क है वो मिल जाएगा। फोल्डेड पैटर्न है और यहाँ पे मिल जाएगी हमको पाइपिंग। स्ट्रेट फिट का कुर्ता है, फिट इसकी एकदम परफेक्ट आई है। आप देख सकते हो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट और सी थ्रू नहीं है। कम्फर्टेबली आप इसको ऐसे ही वेयर कर सकते हो एंड इसकी लेंथ भी जो है वो अच्छी खासी है, देखिए कुछ इस तरीके से। बाकी पैंट जो है इसमें कुछ ऐसी आपको मिल जाएगी जो कि एकदम कम्फर्टेबल है, आप बड़े मज़े से इसको पहन सकते हो। साइड में जो है इसमें दोनों पॉकेट्स भी दे रखी हैं पैंट में। सो ये मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। अगेन यही बोलूँगी कि इसको आप एज अ डेली वेयर आसपास कहीं जाने के लिए या फिर ऑफिस वेयर के लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। 350 का है तो मतलब और क्या ही लोगे, 350 में तो एकदम मज़े का पीस है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बैक साइड भी आपको ये पूरा इसी तरीके से प्लेन मिलने वाला है वाइट कलर का। सो गाइस मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपको ये पसंद आता है डेफिनेटली इसको परचेज करके देखिए, बहुत ज़्यादा प्यारा ग्रेसफुल लग रहा है। स्पेशली अगर आपको दिन में कहीं जाना है ना तो उसके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है, तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। नीचे इसका कोड प्रोवाइड मैंने किया। नेक्स्ट गाइस मेरे हाथ में आ गया है ये वाला पैकेट, तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि इसमें हमको क्या मिला है और क्या ऑर्डर किया था हमने। ओके सो इसमें जो है ना गाइस, आई थिंक मैंने एक ही सेलर से ऑर्डर करी थी। मुझे ये वाला चेक करना पड़ेगा, एक सेकंड क्या इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। आई एम नॉट श्योर कि मैंने ये ऑर्डर किया भी था या जस्ट मुझे ऐसे ही मिल गया। एक सेकंड, यस। सो गाइस ये जो है मैंने एक कुर्ता सेट ऑर्डर किया था एंड ये आई थिंक शायद सेम सेलर का है, तो उन्होंने दोनों ही ड्रेसेस मुझे एक साथ भेज दिए हैं। तो ये जो है गाइस इसका कपड़ा मुझे लग रहा है कॉटन एंड कुछ इस तरीके का हमको ना कुर्ता रिसीव हुआ है, बट साइज़ भी लार्ज ही है। बट आई डोंट नो, मुझे समहाउ लग रहा है कि ये मुझे थोड़ा सा लूज़ होगा। सो ये जो है लुक वाइज कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड ये जो है ए लाइन का कुर्ता है। अभी मैं इसका फ्लेयर आपको दिखा दूंगी और इसके साथ हमको मिलेगा फुली इलास्टिकेटेड बॉटम वेयर कुछ ऐसे, एंड इसमें हमको पूरा ये वाला प्रिंट मिल जाएगा। तो बॉटम वेयर होता है ये एंड कुर्ता मिलेगा इसके साथ ये वाला। तो चलिए आइए वेयर करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। एंड यस, दोनों का ही जो फैब्रिक है वो 100% कॉटन है। अब जल्दी से इसका फिट चेक करते हैं। तो गाइज यू कैन सी कि इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। फैब्रिक इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट इसका फिट जो है वो थोड़ा लूज फिट आया है। राउंड नेक हमको मिल रहा है यहाँ पे और फ्रंट में आप देख सकते हो यहाँ पे ना ये वुडन बटन की डिटेलिंग है, तो ये जस्ट ऊपर वाला बटन ही फंक्शनल है, बाकी सब जो है इसमें शोकले लगाए हैं कुछ इस तरीके से। एंड गोटा पट्टी का लेस डिटेलिंग मिलेगा इस पैच वर्क के ऊपर। ये देखिए पूरा वही वाला फैब्रिक है जैसे कि इसके यू नो बॉटम वेयर पे इन्होंने यूज़ किया है, और साइड पे पूरा गोटा पट्टी का वर्क है गोल्डन कलर का। सो ये हो जाता है इसके योग पार्ट का लुक। और अगर बात करें हम इसकी स्लीव्स की, तो स्लीव्स इसमें हमको ना एल्बो स्लीव्स मिल जाएंगी और स्लीव्स में यहाँ पे हमको मिल जाएगा ये पैच वर्क जैसा कि इसके यू नो बॉटम वेयर में है। बाकी ये पूरा फ्लोरल प्रिंट रहने वाला है थ्रू आउट, ऐसे ही नेवी ब्लू एंड यू नो रेड मस्टर्ड कलर के इसमें फ्लावर्स बनाए हैं। नाउ ये जो है ना मुझे हल्का सा यहाँ पे लूज़ हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे इधर से लूज़ है ये। एंड उसके बाद इसमें ना प्लीट्स दे रखी हैं पूरी, सो ये वैसे भी लूज़ फिट का है और इसकी यहाँ से प्लीट्स जो हैं वो भी लूज़ हैं, बट समहाउ इसका जो कलर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड वेयर करके ये अच्छा ही लग रहा है। ये देखिए फिट जो है सर कंफर्ट है, आप इसको आराम से पहन सकते हो। लेंथ इसकी आ जाएगी कुछ इतनी और फ्लेयर है इसका ऐसा कुछ इस तरीके से। बाकी अगर हम बॉटम में देखें तो बॉटम में कुछ ऐसा है ब्लू कलर का प्रिंटेड, मैंने आपको दिखाया था, और इसकी फिट भी जो है काफ़ी अच्छी है इसके बॉटम वेयर की। सो लुक वाइज ये काफ़ी अच्छा है आने जाने के लिए, यू नो आसपास अगर कहीं जा रहे हो तो उस पर्पज से ये सही रहेगा। बाकी बैक साइड में आपको ये मिलेगा एकदम इसी प्रिंटेड पैटर्न में। नाउ गाइस आई डाउट कि 100% कॉटन है और इसका कलर जो है मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है। हो सकता है इट इज़ पॉसिबल कि इसका थोड़ा सा कलर ब्लीड करे, क्योंकि इस तरीके के जो ये यू नो नेवी ब्लू कलर्स हैं एंड रेड कलर्स हैं इनका थोड़ा बहुत नहीं तो एटलीस्ट फर्स्ट वॉश में तो हल्का सा कलर ब्लीड होता ही है। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको ईजी हैंड वॉश कीजिए घर पर, ताकि इसके जो कलर्स हैं वो एकदम इंटैक्ट रहें एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहें। तो येस ये भी जो है क्वालिटी वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड प्राइस वाइज भी ये बजट फ्रेंडली है, तो आप इसको भी ट्राई करके देखना। गाइस और प्रोडक्ट चेकआउट करने से पहले सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी ब्यूटीफुल सी 3 कुर्तीज जो कि आप डायरेक्ट मुझसे परचेज कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है कि इनका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझसे मेरे व्हाट्सएप लिंक पे आप शेयर करोगे, जो कि मैंने नीचे आपको प्रोवाइड कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ये तीनों कुर्तीज जो है वो मेरी खुद के स्टोर से हैं, वेबसाइट से हैं, जो कि आप बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मुझसे परचेज कर सकते हो। पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोगों तक प्रीमियम बहुत अच्छी क्वालिटी डिलीवर करने की इन यू नो
बिलो बजट। और ये सारी ही तीनों ही जो ड्रेसेस हैं गाइज आपको फ्री शिपिंग पड़ेगी, आपको कोई भी इसमें जो है शिपिंग के लिए चार्ज नहीं देना है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट आपको इसकी MRP पे करनी है। और साथ में क्योंकि ये बहुत ही न्यू वर्क है तो मैं आप सब लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट वर्थ ₹150। सो गाइज इट्स अ स्टील डील, तो हम चेकआउट करते हैं सबसे पहले इसका ये ब्यूटीफुल सा कुर्ता। प्राइजेस और जो भी साइजेस अवेलेबल है वो आपको नीचे स्क्रीन में शो हो जाएंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक अनारकली कुर्ता है जो कि ₹699 का है, ओनली 100% कॉटन फैब्रिक में। साइजेस आपको मिल जाएंगे मीडियम टू डबल एक्सेल, कुछ इस तरीके से जो है आपको इसमें राउंड नेक मिलेगा। पैचवर्क में आपको ये पूरा फुल एम्ब्रॉयडरी का सीक्वेंस का और जरी का ये जो है गोटा पट्टी का वर्क दिखने को मिल जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से। बाकी ये जो आप देख रहे हो पूरा इसी तरीके से इसमें ट्रेडिशनल प्रिंट रहने वाला है। ये देखिए क्वालिटी जो है गाइस, मैंने पूरी कोशिश करी है आप लोगों तक प्रीमियम क्वालिटी पहुंचाने की। दिस इज 100% कॉटन, आप इसको कभी भी वेयर कर सकते हो। तो इसका लुक जो है कुछ ऐसे आ जाएगा, फ्रंट में स्लीव्स इसमें रहेंगी 3/4 एंड स्लीव्स के एंड पे हमको ये मिल जाएगा पूरा हैवी गोटा पट्टी का वर्क। सो इसका लुक जो है कुछ ऐसे हो जाता है। बाकी ये जो है गाइस अनारकली कुर्ती है, आपको वेस्ट तक एकदम प्रॉपर फिट रहेगी। यहाँ पे वेस्ट लाइन पे आपको दे रखी है ये डोरी और टैसल वर्क, तो आप इसको बांध सकते हो। आगे पीछे आपको ये दो दो टैसल वर्क मिल जाएंगे डोरी के साथ, तो आप इसको टाई करके एक प्रॉपर फिट दे सकते हो। बाकी नीचे जो है आपको ये पूरा कलीदार घेर मिलेगा, हर कली के बाद इसमें हमने आपको दे रखा है गोटा पट्टी का वर्क। एंड लुक एट द फ्लेयर, कुछ इतना इसका फ्लेयर हो जाएगा। टायर्ड अनारकली है, नीचे आपको पूरे टायर्स मिलेंगे, साथ में ये मिल जाएगा आपको गोटा पट्टी का वर्क जो कि पूरे घेर पे रहने वाला है। एंड बैक साइड पे आपको ये मिल जाएगा इसी प्रिंटेड पैटर्न पे, ये देखिए कुछ ऐसा। सो इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी खासी है, 5/5 तक आपको ये फ्लोर लेंथ आने वाला है। उसके बाद आप इसके साथ व्हाइट कलर का ऑफ वाइट कलर का बॉटम वेयर पेयर अप कर सकते हो। तो चलिए आइए इसको वेयर करके देखते हैं कि ये कैसी लगती है। सो गाइस आप इसका लुक देख सकते हो, राउंड नेक है पूरा ब्यूटीफुल साइज में, आपको पूरा एम्ब्रॉयडरी और इसका वर्क दे रखा है फॉल्स मिरर का और गोटा पट्टी का। और इसकी जो स्लीव्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, फिट आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट है। साइड पर मैंने इसको नॉट किया हुआ है ये दोनों ही टैसल वर्क के साथ। बाकी इसका फ्लेयर आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से आ रहा है, मुझे पूरा फ्लोर लेंथ है। साइड पे मैंने एनी हाउ ट्रायन्स लगाए हुए हैं, तो ट्रायन को देख के आपको आइडिया हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल लगता है ओवरऑल ये कुर्ती वेयर करने के बाद। फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं तो उसमें आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बैक साइड पे ये पूरा का पूरा इसी तरीके से प्रिंटेड पैटर्न में रहेगा। तो अगर आपको ये कुर्ती पसंद आती है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, डायरेक्ट आप मुझसे परचेज कर सकते हो। नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए इससे पहले कि ये आउट ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट कुर्ती गाइस जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है और आप लोग बहुत अच्छे से परचेज कर रहे हो, वो है कुछ इस तरीके की ब्यूटीफुल सी रेयन फैब्रिक में कुर्ती जो कि आपको मल्टी कलर में मिल जाएगी। राउंड नेक है इसका और यहाँ पे आपको पैचवर्क में जो है ये पूरा मल्टी कलर का एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलेगा, फॉल्स मिरर का वर्क है, साथ में गोटा पट्टी का वर्क है, एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है पूरा का पूरा। आप देख सकते हो लुक कुछ ऐसी है। बाकी आपको इसमें ये पूरा जो है फ्लोरल प्रिंट दिखने को मिलेगा मल्टी कलर का। स्लीव्स इसमें रहेंगी 3/4 बेल स्लीव्स है कुछ ऐसी, पैचवर्क और यहाँ पे आपको गोटा पट्टी का वर्क मिल जाएगा। बाकी इसका भी जो फ्लेयर है गाइस वो काफ़ी अच्छा खासा है, कलीदार घेर है एंड इसके साइड में भी आपको ये वाला जो है डोरी और ये वाले टैसल वर्क मिल जाएंगे। आप देख सकते हो घेर भी इसका काफ़ी अच्छा खासा है और नीचे आपको इसमें जो है पूरा ये पैचवर्क मिलेगा जिसमें कि गोटा पट्टी का काम हो रखा है ऑल ओवर पूरे ही घेर में, ये देखिए कुछ ऐसे। सो इसका भी जो प्राइस है गाइज वो 699 है, फ्री शिपिंग प्लस कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट वर्थ ₹150, बहुत अफोर्डेबल है। बैक साइड पे आपको पूरा का पूरा मिलेगा ये कुछ इस तरीके से एंड ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट सी थ्रू नहीं है। तो चलिए आइए इसको भी वेयर करके जल्दी से देखते हैं। सो गाइज आप देख सकते हो कि वेयर करने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है, राउंड नेक है और साथ में ये पूरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क है इसमें गोटा पट्टी वर्क के साथ। फिट इसकी एकदम परफेक्ट है, साइजेस इसमें अवेलेबल है मीडियम से लेकर के डबल XL। दोबारा से बताऊंगी कि फ्री शिपिंग है सारे प्रोडक्ट्स पे और इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भी मिल रहा है ₹150 का। स्लीव्स इसमें कुछ इस तरीके की हैं, ये देखिए बेल स्लीव्स है बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल गोटा पट्टी वर्क के साथ। यहाँ पर मैंने इसको पीछे से नॉट कर रखा है तो एकदम प्रॉपर फिट आई हुई है। बाकी आप इसका देख सकते हो फ्लेयर, कुछ इतना फ्लेयर आ जाएगा इसका और ये मुझे पूरी फ्लोर लेंथ है गाइस, पूरा कंप्लीट फ्लोर लेंथ आया है 5/5 तक आपको ये फ्लोर लेंथ रहने वाला है। उसके बाद आप इसके साथ किसी भी कलर का बॉटम वेयर पेयर कर सकते हो। तो इसका लुक जो है वो कुछ इस तरीके से है, काफ़ी ग्रेसफुल लगता है, हर स्किन कॉम्प्लेक्शन के ऊपर बहुत अच्छे से जाने वाला है। और आप देख सकते हो
बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट एंड सी थ्रू नहीं है। ये देखिए तो कुछ इस तरीके से इसका लुक है, बाकी बैक साइड पे आपको ये पूरा का पूरा इसी तरीके से दिखने को मिलेगा। सो गाइज, इससे पहले कि ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, आप डायरेक्टली इसको मुझसे परचेज कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है व्हाट्सएप लिंक, उसको क्लिक करो और वहाँ पे मेरे साथ इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। नेक्स्ट गाइज जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी वो भी आप डायरेक्टली मुझसे परचेज कर सकते हो, जो कि एक कंप्लीट कुर्ता सेट है और इसका जो प्राइस है जस्ट 1099 है। आई सपोज नीचे स्क्रीन पे एग्जैक्ट प्राइस मैंने शो कर रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसका कुर्ता, कंप्लीट कुर्ता है ये, आपको स्ट्रेट फिट में मिल जाएगा। फैब्रिक जो है इसका रहने वाला है कॉटन सिल्क, बहुत ही ज़्यादा ब्रीदेबल है। आप गर्मियों के अकॉर्डिंगली इसको बाय कर सकते हो, ह्यूमिडिटी गर्मियों में पहना जाएगा। राउंड नेक है और इसके फ्रंट में आपको दे रखा है पैच वर्क, जिसमें ये पूरा धक्के का काम हो रखा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से पर्ल डिटेलिंग है और ये पूरा वर्क आपको मिलेगा। बाकी पूरे ही फैब्रिक में आपको ये वाला ज्योमेट्रिकल पैटर्न दिखने को मिलेगा, लाइट ग्रे कलर का, स्टील ग्रे के ऊपर लाइट ग्रे का शेड दे रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है एंड काफ़ी कंफर्टेबल है, जैसे कि मैंने बोला कि आप इसको गर्मियों में भी कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। तो इसका लुक कुछ ऐसे हो जाएगा, स्लीव्स इसमें रहेंगी 3/4 कुछ इस तरीके से, स्ट्रेट फिट का होता है। नीचे तक आपको ये पूरा इसी तरीके से ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे मिलने वाला है, लेंथ वाइज भी काफ़ी अच्छा है। और अंदर से जो है आपको दे रखी है ये लाइनिंग, सो ये आपको बिल्कुल भी चुभेगा नहीं, सी थ्रू नहीं रहेगा। तो इसकी लुक जो है कुछ ऐसी हो जाएगी एंड बैक साइड पर आपको ये मिल जाएगा प्रिंटेड कुछ ऐसा। इसके साथ जो हमने आपको बॉटम वेयर प्रोवाइड कराया है वो है फुली इलास्टिकेटेड कुछ इस तरीके से। इसका फैब्रिक भी जो है गाइज कॉटन सिल्क है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, आप देख सकते हो उसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा खासा है, एकदम रेगुलर फिट में है ये। और इसके अंडरनीथ आपको पूरे ही बॉटम वेयर में जो है लाइनिंग प्रोवाइड करा रखी है, टॉप टू बॉटम पूरी लाइनिंग रहेगी। तो ये भी जो है बिल्कुल सी थ्रू नहीं है, ये देखिए नीचे तक जो है इसकी पूरी लाइनिंग आ रखी है एंड एकदम रेगुलर फिट का है, कंफर्टेबली इसको वेयर कर सकते हो। नाउ इसके साथ जो हमको दुपट्टा मिलता है वो रहेगा आपका कॉटन फैब्रिक में, ये देखिए कुछ ऐसे, एक सॉफ्ट वाला कॉटन होता है कुछ ऐसे रहेगा। विड्थ और लेंथ इसकी पूरी आई है, साइड में आपको ये टैसल वर्क मिल जाएंगे एंड बीच में आपको ये वाला पूरा प्रिंट दिखने को मिलेगा। ये देखिए कुछ ऐसा जो है पूरा प्रिंट रहने वाला है इसका एंड ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा पीस है। तो चलिए जल्दी से इसको वेयर करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। सो गाइस यू कैन सी वेयर करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है, राउंड नेक है और ये ही वाला पूरा इसमें वर्क मिल रहा है आपको। 3/4 स्लीव्स है इसी प्रिंटेड पैटर्न में, कुछ इस तरीके से इसकी एकदम परफेक्ट फिट आई है। नीचे तक आप देख सकते हो लेंथ वाइज भी ये काफ़ी अच्छा खासा है। बाकी बॉटम वेयर जो है कुछ इस तरीके से रहेगा, एकदम कंफर्टेबल बॉटम है इसका। सो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट शेड है, न्यूट्रल कलर है जो कि हर स्किन कॉम्प्लेक्शन पे जाने वाला है। और अगर इसका हम दुपट्टा देखें तो ये देखिए दुपट्टा जो है इसका कुछ इस तरीके से है। तो ये जो है काफ़ी डिफरेंट कलर है एंड बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है, आप इसको डे नाइट किसी भी फंक्शन में वेयर कर सकते हो, तो काफ़ी एलिगेंट एंड सोबर लगने वाला है। ये देखिए ओवरऑल लुक जो है इसकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। सो इनर बजट है गाइस 1099 में आपको कंप्लीट लाइनिंग मिल रही है कुर्ते पे एंड बॉटम वेयर में, जो कि इसको एक काफ़ी रिच लुक दे देती है। तो अगर आपको ये पसंद आता है आप डेफिनेटली इसको भी ट्राई करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लो, नीचे व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है उसमें आप इसको वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगी, इनकेस अगर आप पूरा कैटलॉग चेकआउट करना चाहते हो तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब चलिए चलते हैं और अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमें मिली थी ये वाली कुर्ती, तो दो ड्रेसेस जो है वो सेम सेलर से ऑर्डर हुई थी एंड इस कुर्ती को देखते हैं कि हमको ये कैसे रिसीव हुई है। तो प्रिंट तो वो ही है एग्जैक्टली जैसे कि मुझे वेबसाइट पे दिख रहा था एंड इसका जो फैब्रिक है गाइस वो 100% कॉटन है। और ये जो है एक अनारकली कुर्ती है, ये देखिए कुछ इस तरीके से राउंड नेक है इसका और ये पूरा पैच वर्क है इसमें, बाकी ये वाला हमको इसमें प्रिंट दिखने को मिल जाएगा। सो दिखने में तो एग्जैक्टली वो ही है जो हमने ऑर्डर किया था, नीचे तक ये पूरा का पूरा ऐसे है, बाकी इसके बॉटम पे इन्होंने ये वाला पैच वर्क रखा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये पूरे ही घेर पे इसके यही वाला पैच वर्क रहेगा। तो चलिए इसको वेयर करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो वैसे वेयर करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, ओवरऑल इसका प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा लेकिन कपड़ा जो है मुझे हल्का सा फ्लिम्जी लगा, जो कि आपका एक दो वॉश के बाद एकदम सिक्योर सा जाने वाला कपड़ा होता है कुछ उस तरीके का लगा मुझे। एंड ये थोड़ा सा जो है ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो आपको इसके अंडरनीथ जो है बॉटम वेयर पेयर करना पड़ेगा। एनी हाउ मेरी हाइट है 5'4", उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको इसको एज अ ड्रेस वेयर करना है तो बॉटम वेयर की जरूरत नहीं है, अदरवाइज अगर आप इसको एज अ कुर्ती वेयर करना चाहते हो तो इसके साथ आप किसी भी कलर का बॉटम वेयर पेयर कर सकते हो, इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि ये जो है एज अ ड्रेस आप नहीं वेयर कर पाओगे, इट इज़ लिटिल सी थ्रू, तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। बाकी
राउंड नेक आप देख सकते हो, पैच वर्क दे रखा है पूरे ही इसके योग पार्ट पे, एंड पूरा ये फ्लोरल प्रिंट रहने वाला है इसमें। ये हो जाती है इसकी स्लीव 3/4, जिसमें अगेन आपको यही वाला जो है पैच वर्क प्रोवाइड किया है। फिट इसकी अच्छी आई है, फिट में नो डाउट ये काफ़ी अच्छा खासा है, आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर फिट है वेस्ट तक, एंड हल्का सा जो है ये ए लाइन कुर्ता है, लेकिन इसकी लेंथ जो है कुछ इतनी रहेगी। बाकी आप ट्रायल में देख सकते हो, आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि सारी ड्रेसेस वेयर करने के बाद कैसी लग रही हैं प्रॉपर फिट इनकी। एंड बैक साइड में जो है आपको ये कुछ इस तरीके का पूरा फ्लोरल प्रिंट में देखने को मिलेगा। सो नो डाउट गाइज, कलर कॉम्बिनेशन एंड प्रिंट वाइज दिस इज़ रियली वेरी गुड, अफोर्डेबल भी है। आई थिंक ये 300-400 के बीच की है, बट आई डाउट कि इसका कपड़ा जो है थोड़ा सा यू नो हल्के वाला है, दो तीन वॉशेस के बाद जो है ये सिकुड़ने वाला है डेफिनेटली। तो येस, अगर आपको ये पसंद आता है आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इसका भी जो कोड या लिंक है नीचे मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इस मेरे हाथ में आ गया है ये वाला पैकेट, तो चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसमें हमको क्या रिसीव हुआ है। तो ये तो है गाइस एक कुर्ता सेट जो कि मैंने ऑर्डर किया था, और ये मुझे दिखने में एज इट इज़ वही रिसीव हुआ है जो कि उसमें दिख रहा था। इसमें दो कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे, पिंक वाला और ये वाला, यू नो काइंड ऑफ सियान ब्लू कलर है, आप इसको ग्रीन भी, लाइट ग्रीन भी काउंट कर सकते हो, कुछ ऐसा है। सो दिखने में एकदम सेम है, तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ओके, सो गाइज ये पूरा का पूरा जो है कॉटन फैब्रिक में ही रिसीव हुआ है। तो कुर्ते को अगर हम देखें तो कुर्ता जो है वो कुछ इस तरीके से, इसमें एक मिनट साइज चेक कर लें, हाँ साइज वही मिला है जो हमने ऑर्डर किया था। इसकी लुक कुछ ऐसी आ रही है कुर्ते की, सो लुक वाइज ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये देखो पूरा अंगरखा पैटर्न दे रखा है इसमें कुछ इस तरीके का, स्लीव्स भी इसमें 3/4 है, स्लीव्स में भी हमको हैवी गोटा पट्टी का वर्क मिल रहा है। और ये जो है गाइस नायरा कट में कुर्ती है, साइड में हमको ये पूरा नायरा कट का पैटर्न दे रखा है, ये देखिए कुछ ऐसा, एंड इसका फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है। बाकी प्रिंट जो है आप कुछ इस तरीके का देखोगे, इसमें ना फैब्रिक प्रिंट भी है और ऊपर से हल्का सा ना इसमें करा हुआ है इन्होंने फॉल प्रिंट का वर्क। तो ये तो हो जाता है इसका कुर्ता। अगर इसके बॉटम वेयर की बात करें, इसमें बॉटम वेयर भी इसका काफ़ी प्रिटी है, बट इसमें थोड़ा सा ना फिनिशिंग की प्रॉब्लम है, हल्के फुल्के थ्रेड निकल रहे हैं इधर उधर से, फुली इलास्टिकेटेड है कुछ ऐसा, और इसमें हमको यही प्रिंट मिलेगा। साइड में इन्होंने ना बॉटम वेयर में भी हमको ये पैच वर्क दे रखा है, ये देखिए कुछ ऐसा, जो कि ऑल ओवर पूरे में ही है, एंड नीचे इसमें गोटा पट्टी का वर्क भी दे रखा है, ये देखिए बॉटम वेयर में। तो रेगुलर फिट का लग रहा है मुझे तो सो ऑन ये, बट वेयर करके पता लगेगा कि कैसा है। बाकी इसके साथ हमको जो इन्होंने दुपट्टा दिया है उसको चेकआउट करते हैं हम। 100% कॉटन का ही दुपट्टा है, इसमें से भी काफ़ी थ्रेड निकल रहे हैं साइड से ना, तो इसमें हल्की सी फिनिशिंग की ज़रूरत है। ये देखो कुछ ना ऐसे ऐसे थ्रेड निकल रहे हैं इसमें, एक सेकंड, इसकी स्टिचिंग के ही थ्रेड है इसमें, ठीक है। तो दुपट्टे की लेंथ और विड्थ जो है एकदम परफेक्ट है, साइड में गोटा पट्टी का वर्क है ये, और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का प्रिंट और बीच में गोटा पट्टी का वर्क है, बाकी बीच में जो है कुछ ऐसा प्रिंट रहने वाला है। ये ना इसका गोटा पट्टी का ना धागा जो है खींच रहा है पूरा, एक सेकेंड, ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा इसका हैवी लुक में दुपट्टा। सो मुझे कलर वाइज पैटर्न वाइज ये बहुत ब्यूटीफुल लगा। आप चलिए इसको वेयर करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो गाइस यू कैन सी कि वेयर करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल लगा मुझे ये वेयर करने के बाद, बट हल्का सा इसका फैब्रिक जो है मुझे अंदर से चुभ रहा है। यहाँ पे राउंड नेक है और ये बटन जो है ये फंक्शनल है, सो इसको खोलने के बाद ही आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। हल्का सा लूप है बीच में, ये वाला पैच दे रखा है और अंगरखा पैटर्न है, ये देखिए कुछ इस तरीके का। तो पहनने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। स्लीव जो है इसमें 3/4 है और कुछ ऐसा इसमें पूरा गोटा पट्टी का दे रखा है। बाकी ये जो है हल्का सा आप देख सकते हो कि मैंने अपना साइज ऑर्डर किया था उसके अकॉर्डिंगली मुझे वेस्ट में थोड़ा सा लूज है, और इसमें जो है आपको ये पूरा प्रिंटेड पैटर्न दे रखा है। बाकी साइड में हमको मिल जाएगा ये यू नो नायरा कट वाला पूरा पैच वर्क, एंड इसके यहाँ पे हमको ये दे रखी डोरी, इस तरफ की डोरी, एक सेकेंड, अच्छा इस तरफ तो मुझे डोरी ही नहीं है, यहाँ की डोरी आई थिंक शायद मिसिंग है। ये दो डोरी एक ही साइड में दे रखी थी, डोरी, सो गाइस इसमें जो है ना एक ही तरफ की डोरी दी हुई है, दूसरी तरफ कोई डोरी ही नहीं है, ये देखिए कुछ इस तरीके से है। सो आई थिंक आप इसको ऐसे करके ही, अच्छा क्योंकि अंगरखा पैटर्न है दैट्स वाई इसमें एक ही साइड की डोरी है, ओके आई गॉट इट। तो ये कुछ इस तरीके से जो है आप टाई कर सकते हो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे, तो ये वन साइड डोरी हो जाएगी, इसका लुक कुछ ऐसे हो जाएगा। इसका लेंथ काफ़ी अच्छा खासा है, आप देख सकते हो नीचे तक पूरा फुल लेंथ आ रहा है ये, और इसका जो बॉटम वेयर है ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है, देखिए कुछ इस तरीके का साइड में आपको पूरा पैच दे रखा है इसके बॉटम वेयर में, तो इसका लुक जो है कुछ ऐसे हो जाएगा। सो लुक वाइज तो गाइस 10/10 है, पर समाओ हल्का सा जो है ना इसका फैब्रिक मुझे थोड़ा सा अनईजी लग रहा है क्योंकि ना चुभ रहा है हल्का सा। बैक साइड पर आपको ये पूरा इसी प्रिंटिंग पैटर्न का दिखने को मिल जाएगा। सो ये कुर्ता सेट आई थिंक मैंने शायद 600 कुछ का लिया था, 6630 रुपीज़ कुछ का है। इसके साथ हमको जो दुपट्टा मिला है
वो काफ़ी अच्छा जा रहा है इसके साथ। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका फुल लेंथ और विड्थ में जो है दुपट्टा है। तो अगर आपको यू नो फेस्टिवल्स आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको कुछ अफोर्डेबल 650 तक की रेंज में अगर कुछ समझ में आता है तो आप इसको देख सकते हो। बट इसका जो है मुझे फैब्रिक जो है मैं 7 दूंगी आउट ऑफ 10, क्योंकि हल्का सा इरिटेटिंग है तो ये 100% कॉटन बट हल्का सा चुभ रहा है। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस एंड अ डिसेंट पीस। तो यस, थम्स अप फ्रॉम माय साइड। पसंद आता है तो आप इसको ट्राई करते हैं। मेरे हाथ में आ गया है ये वाला पैकेट, तो चलिए आइए इसको भी खोल के देखते हैं कि इसमें हमको क्या रिसीव हुआ है। तो गाइज ये एक छोटा सेट है जो कि मैंने ऑर्डर किया था। तो इसमें भी दो कलर्स अवेलेबल हैं। ये जो है पिक्चर में ना लाइट ग्रे कलर दिख रहा था, इसके अलावा इसमें एक पिंक कलर भी अवेलेबल है, तो मैंने इसमें ग्रे शेड लिया था। बट पिक्चर में ये लाइट कलर लग रहा था, बट सरप्राइजिंगली इसका जो कलर एक्चुअल में रिसीव हुआ है दैट इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन वट आई हैव सीन इन द वेबसाइट। तो कुछ इस तरीके का हमको मिल जाएगा ये कुर्ता और पैंट का सेट। इनका फैब्रिक जो है वो कॉटन है, दोनों का ही 100% कॉटन। एंड साइज जो है वो एग्जैक्टली उन्होंने वही भेजा है जो कि हमने ऑर्डर किया था। यहाँ पे देखिए मंडेरियन कॉलर है और इधर दे रखा है गोटा पट्टी का वर्क। बाकी ये वाला जो है पूरा हमको फैब्रिक प्रिंट दिखेगा। एंड स्लीव इसमें रहेगी 3/4 इस तरीके के पैच वर्क एंड गोटा पट्टी वर्क के साथ। बाकी ये जो है गाइस स्ट्रेट फिट का कुर्ता है कुछ इस तरीके से, ये देखिए कुछ ऐसा। एंड इसके साथ जो हमको बॉटम वेयर मिलता है वो फुली इलास्टिकेटेड है कुछ इस तरीके के प्रिंट में। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये वेयर करने के बाद कैसा लगता है। सो गाइस यू कैन सी कि वेयर करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। मंडेरियन कॉलर, बीच में पैच वर्क है, साथ में गोटा पट्टी की डिटेलिंग है। ओवरऑल इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी प्रिटी लग रहा है। 3/4 स्लीव्स हैं इसमें, आपको दे रखा है ये पैच वर्क एंड गोटा पट्टी का वर्क। स्ट्रेट फिट का कुर्ता है, फिट आप देख सकते हो इसकी एकदम परफेक्ट आई है और लेंथ भी जो है इसकी काफ़ी अच्छी खासी है। एंड साइड में जो है इसमें दे रखी है हमको पॉकेट, एक ही साइड में पॉकेट दे रखी है तो कुछ इस तरीके की पॉकेट हो जाएगी। एंड बॉटम वेयर भी इसका जो है काफ़ी कंफर्टेबल है, आप देख सकते हो 100% कॉटन फैब्रिक है गाइस कुर्ते का भी और इसके बॉटम वेयर का भी। कलर कंपैरेटिवली पिंक से जो है मुझे ये वाला काफ़ी प्रिटी लगा। जैसे कि मैंने बोला कि वेबसाइट पर लाइट शेड था बट डार्क का मिला है, तो ये न्यूट्रल है, हर स्किन कॉम्प्लेक्शन पर जाएगा। एंड बैक साइड पर हमको ये कुछ इस तरीके से प्रिंटिंग पैटर्न पर मिल जाएगा। सो प्राइस के अकॉर्डिंगली मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड प्रिंट भी अच्छा है। तो अगर आपको कुछ इस तरीके का एज अ ऑफिस वेयर या फिर डेली वेयर अगर शेड ये पसंद आता है तो आप इसको ट्राई करें। आजकल जो है ना पर्ल ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, चाहे अमेजोन से लो, मीशो से, कहीं से भी ले लो। और स्पेशली एक ईयरिंग है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने वो ऑर्डर किया था और देखते हैं कि हमको किस तरीके का रिसीव हुआ है। तो कुछ ऐसे नॉर्मल से पैकेट में मिला है और अंदर जो है इसमें ये वाला पैच इन्होंने कर रखा है बबल रैप। बाय सीरियसली भैया बहुत ज़्यादा प्रिटी रिसीव हुआ है ये, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। मैंने ना इसमें लाइट बेबी पिंक कलर के ये जो है किए थे ऑर्डर। ये पूरा ऊपर जो है मैं आपको ना इसका क्लोजअप दिखाऊंगी, कुछ ऐसा पूरा ये कलर्ड टेक्सचर में है और नीचे पर्ल है जो कि, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का इयररिंग है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। पीछे इसका क्लोजर जो है कुछ इस तरीके का दिया हुआ है और ऐसा इयररिंग है। सो यार इस तरीके के इयररिंग्स ना बहुत ज़्यादा प्रिटी होते हैं आपकी कुर्तीज़ के साथ एज अ ऑफिस वेयर या यू नो हल्का फुल्का कोई आप ओकेजन है, घूमने जा रहे हो, तो ऐसे इयररिंग्स बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। आपकी हर ड्रेस के साथ जाते हैं, हर ओकेजन में जाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके के हैं, इसमें कलर ऑप्शन भी हैं बट पर्सनली मुझे इसका ये वाला शेड बहुत प्यारा लगा। इसमें मुझे और भी इससे सिमिलर जो मिलेंगे ना कलर वैरायटी के हिसाब से तो मैं उनके कोड भी नीचे प्रोवाइड कर दूँगी। डेफिनेटली इसको ट्राई करके देखो, बहुत ब्यूटीफुल है, क्वालिटी थम्स अप, सीरियसली गाइस 10 out of 10। तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करके। सो गाइस आई रियली होप कि आज का वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, पसंद आया होगा। इसी तरीके के और जो भी प्रोडक्ट्स आप चाहते हो कि मैं रिव्यू करूँ आप लोगों के लिए, नीचे कॉमेंट बॉक्स में उनके कोड जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी आने वाली है एक और अच्छी सी हॉल वीडियो, क्योंकि आई नो फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगी अफोर्डेबल प्राइस में, चाहे मेरा खुद का कैटलॉग हो या फिर मीशो, अमेजोन, वहाँ से अच्छी अच्छी वैरायटी लेकर के आती रहूँ। जब तक मैं लाती हूँ नेक्स्ट हॉल वीडियो, तब तक अपना और अपनी फैमिली का खूब सारा ध्यान रखिएगा। टिल देन स्टे सेफ एंड बी ब्लेस्ड। सी या।